अच्छा सवाल है, अज्यूमिंग देयर वाज नो इन्वेंटेड द बिगिनिंग ऑफ फरवरी 2013, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2013। कैन अल्टर लिमिटेड प्रोड्यूस द मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एएल्स रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2013। सर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था 2013 का, आपको बता दें। कह रहा है सर सेल प्राइस पर यूनिट होगी कितनी, 26 रुपए की। डायरेक्ट मटेरियल लगेगा कितने का, 10 रुपए का। डायरेक्ट लेबर लगेगा 2 रुपए का। वेरिएबल ओवरहेड होंगे 4 रुपए के। सर फिक्स ओवरहेड्स 3.5 रुपए पर यूनिट, कितने यूनिट सर मुझे नहीं पता। सेलिंग एक्सपेंसिस कितने सर, 2,95,000। सर सेलिंग एक्सपेंस का वेरिएबल सेलिंग या फिक्स सेलिंग उसने नहीं कहा, आपको देखना पड़ेगा सर केस के अंदर कोई आपके पास वेरिएबल या फिक्स वाला सीन है या नहीं है। सर एडमिन एक्सपेंसेस 1,01,400। प्रोडक्शन सर हुई है कितनी गुड यूनिट्स, 1,75,000 सर चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है, 30,000 यूनिट्स। तो सर आपने बेचे कितने होंगे, मुझे इससे कोई लेना देना, पीएनएल बना रहा हूं नहीं सर। मुझे क्या करना है सर, सिर्फ फिक्स कॉस्ट चाहिए और सीएम पर यूनिट चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। मैं अपना दिमाग बिला वजह इधर उधर लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अपनी सवाल की रिक्वायरमेंट 12 नंबर के लिए खाली दो चीजें चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस सीएम पर यूनिट। सर क्लोजिंग इन्वेंटरी 30,000 यूनिट्स। कह रहा इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफेक्टिव यूनिट्स एस्टिमेटेड 20% ऑफ द इंस्पेक्ट यूनिट। सर एंड ऑफ द प्रोसेस में करते हो, एंड ऑफ द प्रोसेस में तो फिर जाकर देखते हो कि सर मेरे पास जो प्रोड्यूस हुए हैं उसके अंदर 20% क्या हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर, मैं हर एक यूनिट को ग्रॉस अप करने के बजाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ग्रॉस अप कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ सर, मैं हर एक एक अमाउंट को ग्रॉस अप करता जाऊं, इससे बेहतर क्या है कि मैं क्या करूं सर, वेरिएबल ओवरहेड्स को क्या करूं, जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी इसको मैं क्या करूं, सिंपली ग्रॉस अप कर दूं। सर मुंशी वाला तरीका घर पे करना, मैं मुंशी वाला तरीका भी दिखा नहीं रहा। सर मुंशी वाला तरीका क्या होगा, टोटल लेकर जाओगे, क्या लेकर जाओगे, टोटल लेकर जाओगे तुम्हारा काम तमाम हो जाए। सही है, इससे बेहतर क्या है कि तुम क्या करो सर, मिसाल के तौर पे यार ये डायरेक्ट मटेरियल है ना 10 रुपए पर यूनिट। सर प्रोडक्शन 175,000 की हुई है, क्या हुई है 175,000। सर ये 20% लॉस है तो ये 80% रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बताओ कितने प्रोड्यूस हुए, अफेक्टिवली कितने प्रोड्यूस हुए होंगे। सर 218,750 यूनिट्स के ऊपर आपका मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी लगा होगा और वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगे होंगे, मगर सर इस कॉस्ट को डिवाइड करवाओगे किससे, इस कॉस्ट को डिवाइड करवाओगे किससे सर, हाँ 175,000 आगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए, क्या आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए। सर चलो इसको करके देख लेते हैं, मुंशी वाला तरीका, फिर शॉर्ट तरीका भी देख लेते हैं। सर 218,750 यूनिट तुमने प्रोड्यूस किए, क्या किए, प्रोड्यूस किए। सर डायरेक्ट मटीरियल कितना लगेगा, 218,750 यूनिट्स पे कितना, 10 रुपए। सर जितनी तुमने 1,75,000 की प्रोडक्शन की है, एक्सपेक्टेड आउटपुट कौन सा आउटपुट, उस पर यह आएगा सर प्लस डायरेक्ट लेबर 2 रुपए पर यूनिट है, 218,750 इंटू 2 पर यूनिट कितना आता है, कितना 437500। सर क्योंकि इंस्पेक्शन एंड में हो रही, कब हो रही है, तो सारा का सारा मटेरियल भी लगा हुआ होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी सारी की सारी लगी होगी। सर वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, 4 पर यूनिट, 875,000। सर एक और बात की उसने, डिफेक्टिव यूनिट्स कितने में सोल्ड होंगे सर, डिफेक्टिव सर स्क्रैप। सर 218,750 का 20% क्या होगा, स्क्रैप होगा। देखो 20% कितना आता है इसका, कितना मतलब 1,75,000 आ जाएगा आपका, इसमें माइनस करोगे तो सही है आपका हुई आ जाएगा। सर ये कितने में बिकेगा, 5 पर यूनिट, कितना आया 21। सर कितनी कॉस्ट लगी तुम्हारी, 3,2
3281250 सर 3281 सर 32,81,250 की कॉस्ट लगती है फॉर प्रोड्यूसिंग 1,35,000 यूनिट्स। बताओ कितना आता है, कितना 18.75। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। सर इसका आसान तरीका था, इससे ज्यादा बहुत आसान तरीका था। क्या था सर? ये मुंशी तरीका, मेरा वाला तरीका। सर डायरेक्ट मटेरियल 26, डायरेक्ट लेबर 2 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कितनी थी 4 रुपए की, 10, 2, 4। सर स्क्रैप वैल्यू, सर एक बात सुनो, मैं पर यूनिट पे ला रहा हूं, किस पे ला रहा हूं सर? पर यूनिट का 20% आपका लॉस हो जाएगा और 5 रुपए पर यूनिट पे, बताओ कितना आया? इफेक्टिवली हर एक यूनिट बनेगा उसका 80% गुड होगा, बाकी क्या हो जाएगा? स्क्रैप हो जाएगा। कितना? 1। तो जरा बताओ ये कितना आता? 15। इसको ग्रॉस अप कर लो भाई, 15 रुपए का अगर मुझे गुड चाहिए, इसमें 20% क्या हो जाता है? लॉस। तो सर मैं कितने रुपए लगे होंगे यूनिट के ऊपर? ग्रॉस अप करो 80% से, कितना आया? तो अगर बहुत टाइम हो, 4 चौरंगियां घूमनी हो, वहां से घूम लेना। ये सर इधर क्यों अप्लाई हो गया? क्योंकि इंस्पेक्शन कब हो रही है? एंड में, मतलब सर लेबर भी पूरा लग रहा है, मटेरियल। हाँ सर, अगर ऐसा होता ना 60% पे, किस पे? फिर ये हमारा काम नहीं आता, ये शॉर्टकट काम। क्योंकि सर मटेरियल लगा होता पूरा पूरा, लेबर लगा होता 60% पे, वेरिएबल हेड लगा होता किस पे 60% पे या 40% जितना भी होता, इंस्पेक्शन अगर एंड में हो रही है तो आप इस तरह पर यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। डन हो गया, आसान है। यस सर। सर बेटा अगर इंस्पेक्शन इज कैरीड आउट एट 60% कहता है एंड मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस कहता है, तो मटेरियल तुम्हें शुरू में सारा डाल देना पड़ेगा, तो वो कितने पे आएगा? 2,17,000, 2,18,750 में। लेबर पूरे यूनिट्स पे नहीं होगी, 1,75 और बाकी जो डिफेक्टिव वाले हैं उनके ऊपर परसेंटेज अप्लाई हो जाते। सेट हो गया भाई? 43,750 डिफेक्टिव हो ना, हाँ, तो 43,70 के ऊपर, पूरे के ऊपर तुम लेबर नहीं लगाते अगर इंस्पेक्शन 60% पे आ जाती है और उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी की पूरी ना लगती। समझ आया जो कह रहा हूं? तो वहां पर अलग हिसाब से होगा। यहां पर मैंने शॉर्टकट क्यों अपना लिया? क्योंकि सर सारी की सारी इंस्पेक्शन हो रही है एंड में, मतलब मटेरियल भी पूरा लग रहा है, लेबर भी पूरा लग रहा है, वेरिएबल भी लग रहा है, एंड में जब पूरी रोटी तैयार हो रही है फिर मैं देख रहा हूँ भाई ये जली हुई है तो उसको मैं साइड पे करता हूँ, साइड हो गया, और वो 1 रुपए की बिक रही, 5 रुपए की बिक रही है कि नहीं बिक रही है, जो कि तुम्हारा 20% कितना, तो एक यूनिट का 20% लॉस हो रहा है, एक यूनिट का 20% लॉस हो रहा है, 0.2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो 1 रुपया हो गया, कि हर एक यूनिट पे 1 रुपए की आपके पास क्या आ जाएगी? स्क्रैप वैल्यू। सेट हो गया पक्का? हाँ। अचानक से कार क्यों मिले? हुआ तो नहीं आगे, हाँ नहीं, तार हिले अचानक से, और ऐसे नहीं कोई चीज छू कर या गुजरी हो, खैर हो गया, आ रहे संभाली हो गया। आ जाए सर, सर मेरे पास सीएम चाहिए मुझे, मगर सर अभी एक चीज रह गई, सर मेरे पास फिक्स ओवर है तो सर फिक्स होंगे, क्या होंगे? और सर इनकी बेसिस क्या है? कह रहा है फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड यूनिट्स प्रोड्यूस। सर गुड यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होने? 1,75,000 कितने प्रोड्यूस होने? तो सर ये तो आपके पास आ गया फिक्स ओवरहेड्स। सर सीएम अभी निकल नहीं सकता, मेरे पास सेलिंग प्राइस है कितनी? सर इसमें से ये माइनस होगा, क्या होगा? 18.75 क्या होगा? माइनस होगा 26 में से। सर अभी मैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है या नहीं है इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो सर अभी मैं क्या करता हूँ, एटलीस्ट अपना क्या निकालू? फिक्स कॉस्ट। सर ओवरहेड्स 3.5 पर यूनिट और गुड यूनिट्स प्रोड्यूस 1,75,000 कितना आ जाता है? 6,125। सर इसके आगे सर As compared to the last month, selling expenses in February 2013 have decreased by
सर सेलिंग एक्सपेंस का कह रहा है कि डिक्रीज हुए, एडमिन एक्सपेंस की कोई बात, मतलब एडमिन एक्सपेंस वापस क्या है, फिक्स है, एडमिन क्या है फिक्स है, 1,01,000, 1,01,000 400। सर सेलिंग एक्सपेंस को देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा सर, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग सर जनवरी एंड फरवरी में कितने सर, 295। और सर ये 42,000 रुपए कम हुए, क्या हुए 42,000 रुपए एज कंपेयर टू लास्ट वन, सर क्लास वन 42,000 रुपए से ज्यादा होगा, कितना होगा, हाँ 337 सर, मतलब आपका 295,000 प्लस डन हो गया। सर इस मंथ यूनिट्स कितने हैं सर, सोल्ड 145,000, कितना है सर 175,000 में, 30,000 क्लोजिंग में, तो सर कितने बिके होंगे 145,000, कितने होंगे सर 145,000 सर डन, एक सेकंड सर यूनिट्स कितने फरवरी में जो सेल हो रहे हैं सर, सेलिंग एक्सपेंस सेल पे लगता है, किस पे लगता है, जो सेल हो रहे होंगे उस पे कितना है 295,000 सर, लास्ट ईयर आपने लास्ट मंथ में बनाए भी 180 थे, बेचे भी 180 सर, चेंज कितना आया 35 सर, 42,000 डिवाइडेड बाय 35,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 1.2, कितनी आ गई सर, अब मुझे बताओ टोटल सेलिंग एक्सपेंस जनवरी एंड कितना है सर, तब कोई भी एक मंथ ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, दोनों मंथ क्यों कर रहा हूं ताकि तुम्हारे को सुकून आ जाए कि फिक्स कॉस्ट क्या है, दोनों में सही सेम आ रही, क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी जैसे चेंज नहीं होती, कितना था सर 337 और 2 सर वेरिएबल कॉस्ट सर 1.2 मल्टीप्लाई बाय कितने सर जनवरी में 180,000 और सर यहाँ पर 1.2 मतलब है कितने, तुम्हें दोनों करने की जरूरत नहीं है, खाली तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा रहा हूँ, कितना आता है 2,00,000 कितना आया 174,000 कितना, यहाँ पर भी इंशाल्लाह यही है, तो सर फिक्स कॉस्ट एक और आ गई, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस कौन सी कितनी 121 और सर एक यहाँ पर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ गई कितनी 1.2 की, तो सर 26 माइनस 18.75 माइनस 1.2 सीएम पर यूनिट कितना आ गया 6.05 और फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई बेटा टोटल 834,900 सर ब्रेक इवन यूनिट्स, सर फिक्स कॉस्ट टोटल पे क्यों नहीं लगी, क्या मतलब फिक्स कॉस्ट टोटल पे क्यों नहीं लगी, कौन से टोटल पे क्यों नहीं लगी बेटा, सेलिंग कॉस्ट है शेजल, सेलिंग कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, सेलिंग कॉस्ट किस पे लगती है जो यूनिट बेचे हो, सोल्ड के ऊपर आता है, सोल्ड के ऊपर आता है ये, जो यूनिट्स बेचे लास्ट ईयर 1,80,000 यूनिट बेचे थे, इस साल 145,000 यूनिट बेचूंगा तो उस पे ये सेलिंग एक्सपेंस आएगा, प्रोड्यूस वाले पे सेलिंग एक्सपेंस नहीं आता, जो बेचते हैं उस पे सेलिंग एक्सपेंस आता है, तो सर 834,900 डिवाइडेड बाय 6.05 कितना आ गया 138 एग्जैक्ट, ये क्या बेटा आपका आंसर सही है, क्या कर दूं रिपीट, क्या करना है बेटा उसके अंदर, इस साल कितना है तुम्हारा 295,000, इस साल का बजट क्या, कितने बेचोगे 1,75 प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्लोजिंग में 30,000 गोडाउन में बचे रहेंगे, मतलब 1,45 बेच रहा हूं, लास्ट ईयर इससे 42,000 रुपए ज्यादा था और कितने बेचे थे 180
इन जनवरी एएल प्रोड्यूसर सोल्ड 180,000 यूनिट्स, तो तुम्हारे पास से हाई लो मैटर, तो तुमने क्या कर लिया? नहीं, फिक्स ओवरहेड की बात कर रहा हूँ, 3.5 पर यूनिट वाले बेटा, उसने कहा है गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्या कह रहा है? फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रोड्यूस हो रहे वो सारे के सारे गुड यूनिट्स नहीं है, उसके अंदर 20% क्या है बैड है, तो गुड यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोडक्शन गुड यूनिट्स खुद लिख के भी दे रहा है 175,000। सर सीएम की वर्किंग शो करें, कौन सी, मुंशी वाली या मेरी वाली? एक ये वर्किंग है सर, आप इस टॉपिक में भी फाइनल के क्वेश्चन करवाएंगे? जी बेटा, दो सवाल करवाएंगे फाइनल के, दो लास्ट के क्वेश्चंस जो है ना, अल्फा एंड ओमेगा और स्पाइसी फूड्स, तीन है, तीखा खाना, तीन है फाइनल के, इस हैंडआउट के अंदर ही तीन सवाल है फाइनल के, स्पाइसी फूड्स है नहीं है तो फिर सर ने करवा दिया, सोच हटा दिया होगा, सर ने करवा दिया स्पाइसी फूड्स, सेट हो गया। तस्वीर खींच ले बेटा जल्दी से, तस्वीर खींच ले जल्दी से, तो कॉपी करता रहियो।